मैं गुड़गांव से आता हूँ। मेरी पहले शुगर थी खाली पेट 182, और अब डॉक्टर मिश्रा जी की दवाई लेने के बाद मेरी शुगर 126 130 आने लगी है खाली पेट। मेरे को काफी आराम मिला है। मैं गांव लडराउंड से हूँ, बादड़ में पड़ता है। तो मेरा शुगर पहले 350-400 ये रहती थी। जब यहाँ मैं चेक कराने के लिए आया तो मेरी शुगर 292 थी। 3 हफ्ते से मैं दवाई खा रहा हूँ, तो अब मेरी शुगर खाना खाने के बाद में 140 रहती है। पूरा आराम हो रहा है जी मेरे। मैं सुभाष चंद्र त्रिवेदी, सोनिया विहार, दिल्ली से। मेरी शुगर 250 के आसपास थी खाने के बाद, जो कि यहाँ से मेडिसिन लेने के बाद अब नॉर्मल हो गई है। जी मेरा नाम मीना है, मैं नोएडा से आई हूँ। और मुझे किसी अपने रिलेटिव ने बताया है कि यहाँ अशोक जी दवाई देते हैं शुगर की। पहले मेरा शुगर का लेवल मतलब 160 और खाना खाने के बाद 220 था, बट अभी मैंने 15 दिन की दवाई ली है, तो उससे मुझे मेरा खाने का पहले का 111 है और खाना खाने के बाद 148 है। मेरा नाम श्री भगवान है, मैं नरेला से आया हूँ। पहले मेरा शुगर लेवल फास्टिंग 200 से ऊपर ही रहता था, 220, 240, 250 के करीब। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब का पता लगा यूट्यूब के थ्रू, तो मैं यहाँ से आया और यहाँ से दवाई ली। तो एक हफ्ते में ही मेरा शुगर लेवल 97 था परसों, और आज सुबह मैंने नापा तो 120 के करीब था। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे आयुर्वेदाचार्य से जिनका लोहा बड़े से बड़े डॉक्टर भी मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो डॉक्टर्स हैं अपने यहाँ वो क्या करते हैं कि ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, बहुत सारी जाँचें लिख देते हैं, लोगों का बहुत पैसा खर्च हो जाता है, तब जाके वो पता कर पाते हैं कि कौन सी बीमारी है। लेकिन आज जिन आयुर्वेदाचार्य से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ वो मात्र 2-3 सेकंड आपका नाड़ी देखते हैं, और नाड़ी देखने के बाद आपकी बीमारी के बारे में बता देते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है, आप जांच कराएं या ना कराएं। और आप जब जांच कराते हैं तो जो बीमारी आपको डॉक्टर साहब ने बताई है वही बीमारी निकलती है। ऐसे तो डॉक्टर साहब बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि उनके पास ना पेशेंट्स की भीड़ लगी रहती है, सुबह से लेकर रात तक पेशेंट यहाँ से हटने का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों की दवाएँ वो फ्री में भी देते हैं। हमने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करी, तब उन्होंने थोड़ा सा टाइम निकाला है। चाहे आप हों चाहे मैं हूँ, सभी के घर में कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से पीड़ित जरूर है। तो वीडियो पूरा देखते रहिए, आज के वीडियो में हम ऐसा उपाय बताएंगे कि आप अगर डॉक्टर साहब के पास नहीं आते हैं इलाज कराने, या आप नहीं आ सकते, कोई वजह है, परेशानी है, तो आप घर बैठे स्वस्थ कैसे होंगे, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिए। डॉक्टर साहब, शुगर को लेकर तो मैं आपके साथ कई सारे प्रोग्राम कर चुका हूँ, जहाँ पर आपने लोगों को मुफ्त में शुगर की दवा देकर के उनको ठीक किया है। लेकिन मैं कभी कभी अपने वीडियो के कमेंट चेक करता हूँ, तो कमेंट में मैंने देखा है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप शुगर का तो चलिए इलाज कर रहे हैं फ्री में, सारे लोगों की दूर कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी लोगों को कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है, या इसका और किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। जो हम आपसे ये भी जानेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे ठीक होंगी, लेकिन सारी चीज़ों को हम एक साथ नहीं कर सकते, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, लेकिन एक एक करके हम सारे टॉपिक धीमे धीमे लाते रहेंगे अपने लोगों के लिए। तो आज हमने चुना है कि कोलेस्ट्रॉल ये क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा सा बताइए, ये क्या होता है, क्यों बढ़ता है, और इसका घरेलू उपचार क्या है, जिससे कि लोगों को आपके पास आने की जरूरत ही ना पड़े, अपने घर बैठे बैठे ही ठीक हो जाएं। ये सब भी उनको हम आज के वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। बिल्कुल, देखिए कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल होगा तो हमारे शरीर में चिकनाहट आएगी, और जो है D3 जो हमारे हार्मोन्स होता है, D3 जो विटामिन होता है वो बनता है, चिकनाहट आती है, सेल्स बनते हैं, ये होगी अच्छे कोलेस्ट्रॉल की बात। ठीक है, जब हम वसायुक्त चीज खाते हैं, जब हम तेलीय चीज ज्यादा खाते हैं, तला भुना फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं जिसमें तेल ज्यादा होता है, जिसमें फैट ज्यादा होता है, तो यही कोलेस्ट्रॉल हमारा जो है बैड कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम बोलते हैं HDL, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल हो गया। अच्छा। वो हमें बहुत जरूरी है, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, उससे हमारे टिश्यूज बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, वो तो हर एक के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक होता है LDL, खराब कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होता है कि जब ये खराब कोलेस्ट्रॉल की एक तय मात्रा से ज्यादा हो जाता है तो ये हमारी धमनियों में चिपक जाता है, और इससे जो है ना हार्ट स्ट्रोक आ सकता है, दिमाग में और क्लॉट्स बन सकते हैं, शरीर के हिस्सों में भी रक्त प्रवाह होने में बाधा आ सकती है, और हृदयाघात भी हो सकता है। अच्छा। हार्ट अटैक आने का मुख्य कारण यही है। तो दो तरह के कोलेस्ट्रॉल बताए मैंने आपको, एक तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। अब मैं इसको बड़ा एक बड़ी समराइज करता हूँ बड़ी सिंपल भाषा में। जैसे एक दरवाजा है, आपने एक विंडो लगाया हुआ है, कभी कभार आपने देखा होगा विंडो में आवाज आ गई, चीची चीची की आवाज आती है, तो आप क्या कहते हो, बेटा इसमें ऐसा करो तेल डाल दो, ऑयल वगैरह डाल दो, ऑयल डाल दो। आपने जो ऑयलिंग ग्रीसिंग की ना, दैट वाज द
HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल था वो, अच्छा, और जो चीची जी खाता था जो सूख गया था वो बैड कोलेस्ट्रॉल था। यही कारण है कि जो ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो ये चिपक रहा हुआ पदार्थ है, ये जो जो एक तरीके से जो मोम जैसा पदार्थ है, ये हमारी आर्टरीज में जम जाता है। अच्छा, जब आर्टरीज में जम जाता है तो हार्ट को सक्शन करने में दिक्कत सही से पंपिंग नहीं हो पाता, पंपिंग नहीं हो पाती, और कभी कभी इतना होता है कि नलियां बिल्कुल रुक जाती है और हार्ट स्ट्रोक आ जाता है और हार्ट की अटैक आ जाता है जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। देखिए हमारे इंडिया के अंदर हार्ट, इंडिया के वर्ल्ड में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, और कारण क्या है? बैड लाइफस्टाइल, बैड फूड हैबिट्स और ज्यादा खाना, चिकना युक्त खाना। जब चिकनी चीज ज्यादा खाते हैं तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है, आर्टरीज में जो है चिकनापन आ जाता है। चिकनापन आने की वजह से क्या है कि हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है और हार्ट अटैक की तरफ जाता है, माइंड में क्लॉट जम जाता है, बीपी बढ़ जाता है और इवन हमें ना पक्षाघात भी हो जाता है, लगवा भी लग जाता है। तो इसका जो एक तरीके से है ये बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है। कारण मैंने आपको बताया दिया, वसा की भोजन, ज्यादा धूम्रपान करना, हाई बीपी का होना और डायबिटीज का होना। जिन लोगों को डायबिटीज होगी तकरीबन उनको 80% जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। अच्छा, तो ये तो कारण हो गया और मैंने इसके दो ने बता दिया। अब आप बताएंगे कि इसका उपाय पूछेंगे आप। बिल्कुल, मैं उपाय भी आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले एक शिकायत है मेरी आपसे। नॉर्मली मैंने कमेंट में देखता हूँ, क्योंकि आज मैं लोगों के कमेंट ही ले रहा हूँ वीडियो में, तो कमेंट लेता हूँ, तो मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग आपके यहाँ ना दूर दूर से आते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं, बहुत भीड़ भी आपके यहाँ रहती है, बड़ी मुश्किल से नंबर आता है, तो लोगों को शिकायत ये है कि दो दो घंटे तीन तीन घंटे हमें इंतजार करना पड़ता है, लोग भी काफ़ी दूर से हैं, तो उनका कोई ऐसा उपाय है जिससे कि उनको इंतजार ना करना पड़े? देखिए आपकी शिकायत जायज है, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, आपको पता ही है मैं शनिवार मंगलवार को दवा फ्री देता हूँ, तो काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उनको फायदा भी हो रहा है। तो शनिवार मंगलवार को भीड़ लगती है। अच्छा, अगर आपको शुगर के मरीज है तो आप आइए शनिवार मंगलवार को। यदि आप दूसरे मर्ज के बारे में आते हैं, दूसरी बीमारी के बारे में आते हैं, तो आप शनिवार और मंगलवार की बजाय दूसरे दिनों आ सकते हैं, उस वक्त भीड़ कम होती है आपको। अच्छा, तो उसमें आपको जाने जान नहीं करना पड़ेगा। बाकी और शनिवार मंगलवार को भी जो हम शुगर की दवा दे रहे हैं उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं अपना स्टाफ बढ़ा करके कि लोगों का समय कम से कम लगे। बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा आप किन किन ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका आप इलाज करते हैं? देखिए दूर दूर से काफ़ी लोग आ रहे हैं, मैं एक आयुर्वेद आचार्य हूँ, तो एक आयुर्वेदिक का धर्म है, आयुर्वेदाचार्य का धर्म है कि जो लोग दुखी है, किसी भी रोग से दुखी है, वो आए और इलाज हो। तो हमारे पास पित्त की थैली के पथरी काफ़ी अच्छा इलाज है, दो तीन दिन में घट रही है, पहले तो इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ता था, अब अच्छा इलाज हो रहा है। अच्छा, और जो जोड़ दर्द है, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसका भी अच्छा इलाज हो रहा है, और काफ़ी आपने देखा होगा कि जिनका बीपी फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है, उनका भी अच्छा इलाज हो रहा है। तो उनके जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं ना, तो काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पहले हमने सफ़ेद दाग का भी इलाज कर दिया, काफ़ी लोग फायदा हो रहे हैं, तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं तभी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और फायदा हो रहा है, गुरु की कृपा हो रही है, फायदा। अच्छा, इतनी भीड़ आने का कारण क्या है? ये ठीक होना ही है या कुछ और भी है? देखिए ठीक होना, काफ़ी विश्वास के साथ लोग यहाँ थे, मैंने देखा था, और ठीक भी हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं जो आयुर्वेदिक दवा बनाता हूँ वो खुद अपनी फार्मेसी बनाता हूँ, मैं कोई बाहर से खरीद के नहीं लाता, मैं किसी कंपनी नहीं लेता, खुद मैं जो बना रहा हूँ वो अपने जो एक तरह गुरु परंपरा रही, और जिस तरीके से हमारी जो है एक पारिवारिक आयुर्वेद का कार्य रहा है, और हम पुराने काफ़ी सालों से आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, उस वजह से जो हमें ज्ञान है और जो हमने एक निचोड़ लिया आयुर्वेद का, वो हम लोगों को दे रहे हैं, तो लोग ठीक हो रहे हैं। और जब दिल से आप दवा देते हैं किसी को, और जब आपने ठान ली किसी को ठीक करना है, तो लोग ठीक होते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम थोड़ा वापस आते हैं कोलेस्ट्रॉल पे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसको कैसे पहचाने लोग, इसके क्या लक्षण होते हैं, और अगर लक्षणों की पहचान हो जाए कि उनको कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ है या लो, तो फिर इसको ठीक करने का कोई घरेलू उपाय ऐसा बताइए जिससे लोगों को ना कहीं जाना पड़े, ना कोई दवा लेनी पड़े, अपने घर पे ही ठीक हो जाए। देखिए कोलेस्ट्रॉल जब किसी का बढ़ता है तो कई लक्षण आते हैं, जैसे उसको मितली आती है, उसको पसीना आता है, और जब वो चलता है तो उसको सांस फूलते हैं। इस तरह भी अगर कोई आपको सिम्टम्स लगते हैं तो एक सिंपल एक टेस्ट होता है, लिपिड प्रोफाइल करना होता है। अच्छा। उसमें हमें पता लगता है कि हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारे ट्राइग्लिसराइड कितने बढ़े हुए हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कितना है, तो उससे उसकी पूरी जाँच हो जाती है। यदि वो आपके बढ़े हुए निकलते हैं, तय मात्रा से ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल निकलता है, बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा निकलता है, तो आपको ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होती है। अभी मेरा सवाल ये रहेगा कि कोलेस्ट्रॉल का उपचार कराना क्यों जरूरी है? देखिए कोलेस्ट्रॉल का उपचार करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया तो समझ लीजिए आप हार्ट के पेशेंट बन चुके हैं। अच्छा, इसका इलाज करना बहुत जरूरी, नहीं तो आगे आज नहीं तो दो साल में नहीं तो 5 साल में आप हार्ट के प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे। हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, और आपको इवन क्लॉट्स अगर माइंड में जम गए तो आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। अच्छा, तो कुछ उपचार बताइए जिससे कि लोग घर पर ही ठीक कर पाए।
देखिए उपचार के लिए बता देता हूँ कि एक सिंगल आपको उपचार बता देता हूँ, उसको आप घर पे कर सकते हो, बहुत सस्ता और आसान उपचार। वन लाइन आंसर दे दीजिए कोई। बिल्कुल वन लाइन ट्रीटमेंट दे रहा हूँ आपको मैं। ठीक है। आपको लेना है फ्लैक्सीड, या फ्लैक्सीड जिसको अलसी का बीज बोलते हैं। अच्छा। ये कहीं भी मिल जाएगा और आप इसको ले आइएगा, उसके लिए 100-125 रुपए किलो मिलता है। बिल्कुल। ये फ्लैक्सीड जो होता है ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने की सबसे बड़ी दवा है। अच्छा। और सिंपल उपाय करना है, आप इसको लाइए और इसको रोस्ट कीजिए, हल्का इसको दर पीस लीजिए और आप इसको एक चम्मच सुबह, यानी कि 8 ग्राम सुबह 8 ग्राम शाम को लेना है। ठीक है। सिंपल पानी से लेना है। आप इसको किसी प्रकार से अपने भोजन में भी स्प्रिंकल करके भी ले सकते हैं। और जब ये लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे घट जाएगा। अच्छा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कभी थर्मोकोल लेना, थर्मोकोल होता है, थर्मोकोल को यदि आप उसको जमीन में भी गाड़ देते हैं तो थर्मोकोल कभी गलता नहीं, नहीं गलता, ना पानी में गलता है, ना किसी उससे गलता है, ना किसी केमिकल से गलता है। अगर आप एलसी के फ्लैक्सीड के ऑयल को थर्मोकोल ऑयल को थर्मोकोल पे डालोगे तो थर्मोकोल पिघल जाए। अच्छा, उससे पिघल जाता है। तो मींस जो कोलेस्ट्रॉल है, जो टार्टर है, जो आपके हार्ट आर्टरीज में जमा हुआ है, वो इससे पिघल जाता है, बाहर मेल्ट बन जाता है। क्योंकि ये फ्लैक्सीड जो होता है ये क्यों है, ये ओमेगा फैटी थ्री एसिड होता है और गुड सोर्स ऑफ ALA है, यानी कि जो अल्फा लिनोलाइनिक है, ये एक तरीका जो ओमेगा फैटी थ्री एसिड होता है, ये कार्डिक को प्रोटेक्ट करने वाला सबसे मेन है, मेन चीज है ये। क्योंकि ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और डायबिटीज को भी कम करता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है और फाइबर सोलेबल अनसोलेबल फाइबर्स होते हैं। ये जो अब हमारे जब शरीर में जाता है, ब्लड में मिलता है, तो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल पिघाल देता है, मोम की तरह पिघाल देता है और डस्ट पार्टिकल बिल्कुल द्रव्य बना देता है, पिघाल करके थ्रो स्टूल निकाल देता है। अच्छा, तो ये कितने टाइम तक लेना होता है? ये आप लेते रहिए, मैं तो कहूँगा पूरे इंडिया को लेना चाहिए। क्या आपको अपने हार्ट की वो नहीं है, सेफ्टी नहीं चाहते? बिल्कुल, सबको ही चाहता है। देखिए, एक हार्ट ही है जो सबसे मजबूत है। हमारा हार्ट एक दिन में 1,00,000 बार पंपिंग करता है। अच्छा। 1,00,000 बार हमारा दायित्व बनता है कि इसको स्वस्थ रखा जाए, प्रोटेक्ट करें। 1,00,000 बार जो प्रोटेक्ट करता है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो? हाँ। आप एक समोसा खा के उसको रोक रहे हो, रुक जा तो रुक जा, और अगर हार्ट रुक गया, अगर एक सेकंड के लिए रुक गया तो आपकी जिंदगी रुक जाएगी। अच्छा अच्छा। और हार्ट एक दिन में, आप सुन लीजिए, इसकी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, एक दिन में हमारे कितने ब्लड को पंप करता है, 10,000 लीटर, यानी कि पूरे जो आपके मोहल्ले में टंकी है ना पानी की। अच्छा। उतना लीटर जो है ब्लड को ये फिल्टर करता है हमारा ब्लड, हमारे ब्लड को हर्ट करता है। और उस हर्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको रोज कभी समोसा खिला रहे हैं, कभी उसको जो है परांठे खिला रहे हैं, कभी घी खिला रहे हैं, कभी तेल की भुजिया खिला रहे हैं, यानी तेल ये चीज खिला रहे हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ क्यों नहीं रहा बेड वाला। तो लोगों में ये बिलीव है कि हर्ट तो हर्ट ही अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको रोज ना कुछ हार्ट के लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली जो जनरेशन है हार्ट अटैक के बीच में फंसेगी। तो उसके लिए एक मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके लिए बता रहे हैं, जैसे आपने बताया घरेलू उपचार, तो मैं लोगों को कह रहा हूँ फ्लैक्सीड अलसी का बीज हर रोज लेना है, 8 ग्राम सुबह 8 ग्राम शाम को। अच्छा। क्योंकि इसमें फाइबर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा चीज होता है, और ब्लड प्रेशर क्यों होता है, कोलेस्ट्रॉल जम गया आर्टरीज में तो ब्लड का प्रेशर बढ़ गया हार्ट का, ऐसे कर रहा है वो, तो हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। जब आर्टरीज में से जो टार्टर है, जो कोलेस्ट्रॉल घट गया, पिघल गया, तो हमारा हार्ट भी ठीक हो जाएगा और ब्लड का प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है, रिच इन जो है लिगन्स है, ये लिगन्स जो है एक हार्ट प्रॉब्लम को दूर करता है और ऑस्टियोपोरोसिस को दूर करता है, ब्रेस्ट कैंसर को भी दूर करता है, और ये जो डायबिटीज होती है उसको भी ठीक करता है। तो सिंगल लाइन ट्रीटमेंट जैसे आपने पूछा, तो मैं तो कहूँगा सबसे सस्ता बढ़िया है फ्लैक्सीड ऑयल। बिल्कुल। फ्लैक्स सीड ले लीजिए, उसको रोस्ट कीजिए, 8 ग्राम से 8 ग्राम से आपको लीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल इतनी जल्दी ठीक होगा कि आप भी देखेंगे कोलेस्ट्रॉल इतनी जल्दी कहाँ गया मेरा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। बिल्कुल। दूसरी चीज आप ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, हर रोज नींबू पानी लीजिए। ये घरेलू उपचार बता रहा हूँ जो आपके घर में है, कहीं बाहर नहीं जाना आपको। दूसरी चीज क्या करना है, आप लहसुन ले लीजिए, कम से कम 4 लहसुन की पोती जो बड्स होती है ना, उसकी चटनी बना लीजिए, चाहे सब्जी में डाल के लीजिए या चटनी बना के लीजिए, उसको कंज्यूम करना है। बिल्कुल। अब एक तीसरी चीज और बता देता हूँ, जो भी यूज करे, एक अपना अर्जुन की छाल आती है। अच्छा। वो आप ले लीजिए, मैं तो अर्जुन की छाल चाय बना के लोगों को देता हूँ, उसमें 100 ग्राम अर्जुन ले लेते हैं और उसमें 10 ग्राम छोटी इलायची 100 ग्राम अर्जुन छाल में और 10 ग्राम जो है दालचीनी, उसको मोटा मोटा पीस लेते, चाय बन जाती है। और उसको जो है 10 ग्राम 1.5 कप पानी में उबाल के, जब वो आधा कप रह जाए, छान के पी लीजिए, दिन में 2 बार कीजिए, आपका हार्ट बड़ा मजबूत हो जाएगा, काय बात का बीपी, काय बात का कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं रहेगा और आप सेफ रहेंगे हार्ट के मामले में। अगर आपने मेरी बात मान ली तो आपकी बल्ले बल्ले हार्ट के मामले में, नहीं तो कभी ना कभी आप हार्ट अटैक के ट्रैप में आएंगे, क्योंकि खान पान ही ऐसा है।
आज आपने अगर मैनेजमेंट नहीं की तो हार्ट प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल, अभी ये इसके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे, लेकिन एक शिकायत और मेरे मन में आई है आपको लेके। शिकायत ये है कि कुछ लोग आपके यहाँ विजिट नहीं कर सकते क्योंकि वो देश के कई अलग अलग राज्यों में रहते हैं, तो आप उनको ऑनलाइन में दवा वगैरह भेज सकते हैं क्या? देखिए, लोग आ जाए तो अच्छी बात, नाड़ी देख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और नहीं भी आ सकते, उनकी मजबूरी है तो वो आए तो अच्छा है, नहीं तो ऑनलाइन भी दवा मंगा सकते हैं। आजकल मैंने एक चीज़ और देखी है, काफ़ी लोगों से भी सुना हुआ है कि आप नाड़ी से सब कुछ बता देते हैं, पूरा कौन कौन सी बीमारी है किचन नहीं, आप भले ही कोई इंसान अपना अल्ट्रासाउंड या कोई जांच वगैरह ना कराए, आप फिर भी नाड़ी से ही बता देते हैं कि इसको यही बीमारी है, और जब वो व्यक्ति जांच कराता है तब उसको वही बीमारी उसको निकलती है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? देखो, आयुर्वेद की यही खूबी है, जब आपने पूरा आयुर्वेद में ज्ञान लिया हो, फोर फादर्स ने आपको ज्ञान दिया हुआ है, वात पित्त कफ का दिया हुआ है, और कोई ना कोई आपका इष्ट देव है। अच्छा, देखिए, अगर आप वैद्य हैं, आपको ज्ञान है, लेकिन एक इष्ट देव भी है आपका, और आप उसको मानते हैं, तो आप नाड़ी में अच्छी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि वात पित्त कफ को हम देखते हैं, और फिर हमारा इष्ट देव भी जो है ना, हमको थोड़ा सा गाइड करता है कि इसको ये बीमारी है। अच्छा, और इसको ये लक्षण है। तो इस प्रकार से जो है, लोगों की 100% नहीं तो 90% तो उनकी सच निकलती है कि क्या बीमारी है। अच्छा, तो लोग बड़े दूर दूर से लोग आ रहे हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए, वैजी में तो नाड़ी दिखाने के लिए आया, और वो बीमारी जब उनको निकलती है, और जो उनको कहते हैं कि जी मैं तो इतना जांच करा चुका हूँ, इतने पैसे खर्च चुका हूँ, और आपने 2 मिनट में बता दिया। बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि जो काम डॉक्टर नहीं कर पाते हैं बड़ी बड़ी जांचें करने के बाद, वो आप उनका मात्र कुछ सेकंड के लिए नाड़ी देख के ही पूरा समाधान कर देते हैं। पूरी विधा है सब, अगर ये विधा आगे चलेगी तो आगे देखना हमारा इंडिया कितने तरक्की करेगा आयुर्वेद के मामले में, और आयुर्वेद में तरक्की हो ही रही है। शुगर के लिए तो चलिए आप फ्री में दवा देते हैं लोगों का, लोगों की भलाई कर रहे हैं, आजकल फ्री में कोई कुछ नहीं देता, लेकिन आप शुगर का दवा फ्री में दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अन्य बीमारियां हैं लोगों को, तो आप उनके लिए जब वो आपके यहाँ विजिट करते हैं, आपके यहाँ ट्रीटमेंट कराने आते हैं, तो उनके लिए आप क्या फीस लेते हैं, कितना फीस लेते हैं? देखिए, मेरी देखने की कोई फीस नहीं होती है। अच्छा, मतलब फ्री में ही आप उनको देखते हैं? देखते फ्री में ही है, लेकिन जो दवा होती है उसका जो चार्ज होता है 500-600-700 रुपए पर वीक का खर्चा आ जाता है। अच्छा, तो ज्यादा भी नहीं है, नॉर्मल चार्ज है जो भी है वो हम लेते हैं, बाकी ऐसा कोई खास बड़ा खर्चा नहीं है। आपकी कितनी तो ब्रांच है और आप कहाँ कहाँ बैठते हैं, अगर लोग इलाज कराने आते हैं तो टाइमिंग क्या रहती है? देखिए, मेन तो ब्रांच मेरी ये है, भादौड़ है ये, एनसीआर दिल्ली में पड़ता है, और वैसे हरियाणा में, लेकिन दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पे है ये। मैं यहाँ पर हर सप्ताह मिलता हूँ। अच्छा। सोमवार से शनिवार तक, ठीक है, और संडे को मैं कीरागढ़ी जाता हूँ, वो दिल्ली में पड़ता है, और संडे को भादौड़ में छुट्टी होती है, कीरागढ़ी में बैठता हूँ। अच्छा। और भादौड़ में बैठने का टाइम 10 बजे से 2 बजे तक होता है हर रोज के लिए, और जो जैसे सुबह की दवा फ्री देते हैं तो वो शनिवार और मंगलवार को लोग आते हैं, वो मैं 10 बजे से 4 बजे तक देता हूँ। अच्छा। और यही शुगर की दवा दिल्ली में मिलती है हर शनिवार और मंगलवार को, मैं संडे को ही केवल मिलता हूँ। अच्छा, जैसे कि मंगलवार शनिवार को दवा जो फ्री आप देते हैं तो काफी भीड़ होती है, लेकिन किसी को दूसरी बीमारियां हैं तो क्या वो किसी और दिन आ सकते हैं? वो दूसरे दिन आ जाए और किसी दिन आ जाए, क्योंकि उस दिन तो काफी भीड़ होती है, बाकी दिन आप दूसरी बीमारी के बारे में मिल सकते हैं 10 से 2 बजे तक। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की, ये एक श्रृंखला हमने शुरू करी है, इसमें आज हमने कोलेस्ट्रॉल को चुना। हालांकि डॉक्टर साहब, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज करते हैं, जैसे शुगर वगैरह का, तो ये दवा भी फ्री देते हैं, इसके अलावा अन्य बीमारियां जो लोगों को होती हैं, नॉर्मली पाई जाती हैं सभी इंसानों में, उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो आप इनके यहाँ से दवा वगैरह लेके अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं आ सकते, तो उनके लिए डॉक्टर साहब समय समय पर कुछ ऐसे टिप्स और उपाय देते रहते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बिना यहाँ आए घर से भी ठीक हो सकते हैं। हमारे चैनल पर तो कुछ इस तरह की जानकारी वाले वीडियो आते ही रहेंगे। तो सर का भी यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और सर वहाँ पर टाइम टू टाइम नई नई बीमारियों से आपको कैसे घर बैठे ही आपको छुटकारा मिलेगा उसके बारे में टिप्स देते रहते हैं, और कैसी आपको लाइफस्टाइल अजमानी चाहिए, इनकी दिनचर्या क्या, आपको खाना पीना चाहिए, तब आप स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही एक तरह से धन होता है इंसान के लिए। अगर इंसान स्वस्थ है तो वो समझ लीजिए समृद्ध भी है। वैसे तो हमने आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की, फिर भी अगर कुछ जानना चाहते हैं या अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, तो नंबर हमने वीडियो की स्क्रीन पर दिया हुआ है। वैसे आज हमने जैसे कोलेस्ट्रॉल को चुना, इनमें से अगर आप चाहते हैं कि कोई नई बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब आपको गाइड करें, सलाह दें, तो वो आप हमें वीडियो के कमेंट में लिख के भेजिए, और जो लोग सबसे ज़्यादा बीमारियों के लिए हमें कमेंट आएंगे ना, जिस बीमारी का, उसी बीमारी को हम अगले एपिसोड के लिए चुनेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कमेंट करिए, और डॉक्टर साहब के चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक शानदार जानकारी वाला वीडियो देखने को मिला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।